वेलकम बच्चों। सो हमारे पास चल रहा है डेरिवेटिव, जिसमें एक्सरसाइज 1.3 है, जिसमें से इसके पहले जो हमने क्वेश्चंस पढ़े वो हमने हमारे लॉगरिथमिक मेथड के भरोसे पढ़े, ठीक है। आज हमारे पास एक नई मेथड है जिसका नाम है इम्प्लिसिट फंक्शन मेथड, ठीक है। तो वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है पहले उसको देखते, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन तो लिखे पड़े, ठीक है, लेकिन पहले थोड़ा सा बेस देखते। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अगर मैं बात करूँ तो एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ध्यान में रखना कि जैसे अगर मैं कहूँ सिंपल क्या कि इफ वाई इज कंप्लीटली एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एक्स, देन वाई इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब क्या है कि y पूरी तरह से किसके फॉर्म में होगा, x के। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं यहां पर, अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x + 6 है, समझो। तो देखो यहाँ पे इधर में पूरा y है, उधर में पूरा कंप्लीट क्या है, x के टर्म्स है, यानी y इज कंप्लीटली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ x, सो y इज एक्सप्लिसिट फंक्शन ऑफ x, ठीक है। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ यहाँ पर, अगर मान लीजिए कि मुझे ये दिख रहा है कि y इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर x प्लस टैन x, एग्जाम्पल कुछ भी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, टैन इनवर्स x। अब देखो भला इधर में पूरा कोण है y है, उधर में पूरा का पूरा कोण है x है, यानी y कंप्लीटली किसके फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, x के फॉर्म में। तो इसे मैं क्या कहूँगा, एक्सप्लिसिट फंक्शन। तो इसी के उल्टा क्या रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या रहेगा, इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो इम्प्लिसिट फंक्शन में सिंपल एकदम ध्यान में रखना आपको, ठीक है, कि क्या कि इफ y एंड x आर मिक्स्ड, ठीक है, अगर y और x क्या है, मिक्स में है, समझ जाओ कि वो क्या है, y इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x, या फिर x इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ y भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल, अगर मैंने आपसे कहा कि एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू जीरो, अब आप देखो अगर मैं वाई स्क्वेयर को उधर लेके भी जाऊँ तो इधर में भी y रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है, एक्स स्क्वायर एक्स है, वाई है, वाई स्क्वायर है, यानी एक्स और वाई कैसे मिल रहे हैं, मिक्स में मिल रहे हैं, ठीक है। यहां पे सिंगल वाई इज इक्वल टू ऐसा नहीं दिया गया, तो अगर ऐसा आता है तो समझो कि इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर मान लीजिए कि यहां पर ऐसा है, सेकंड एग्जांपल लेता हूं कि वाई इज इक्वल टू साइन एक्स वाई है, ठीक है। अब क्या है, इधर वाई है, ठीक है, लेकिन उधर में देखो आप साइन एक्स वाई है, यानी एक्स और वाई फिर से क्या आ गया, मिक्स में आ गया। चलो एक आधा और मैं आपके लिए एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे रूट एक्स है, अच्छा ये पहला ही ले लो ना, देखो रूट एक्स है प्लस रूट वाई है इज इक्वल टू रूट ए है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिंपल सिर्फ वाई इज इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे क्या है, रूट एक्स है, तो उसमें मिक्स किया गया रूट वाई को और सामने में कोई कांस्टेंट दे दिया गया, तो यहाँ पर एक्स और वाई ऐसे क्या है, मिक्स में है, तो हम ये कहेंगे कि वाई इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ एक्स, या फिर एक्स इज इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ क्या बोलेंगे, वाई बोलेंगे। अच्छा यहाँ पर वाई पूरी तरह से किस में है, एक्स में, तो एक्सप्लिसिट, मिक्स में है तो इम्प्लिसिट, सिंपल। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 मुझे दिख रहा है डेरिवेटिव में, तो आपको ध्यान में रखो यहाँ पर क्या डीवाई बाई डीएक्स निकालने को कहा, लेकिन एक्स और वाई देखो यहाँ पे पूरे के पूरे प्रॉब्लम्स में क्या है, वो मिक्स में दिया है, यानी यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन है, और इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है हमको, सिंपल कुछ नहीं करना, एज यूजुअल क्या करना, डेरिवेटिव लगा देना, ठीक है, जैसे डेरिवेटिव करते ना वैसा डेरिवेटिव लगा दो, और लास्ट में डीवाई बाई डी एस को सेपरेट करो, ठीक है, लास्ट में डीवाई बाई डी एस को क्या करो, सेपरेट करो। तो यहां पर हमारे पास में स्टार पॉइंट आता है कि डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। तो करना क्या है, तो इम्प्लिसिट फंक्शंस के डेरिवेटिव के लिए सिंपल ध्यान में रखो, नॉर्मल पहले क्या करो, सबके डेरिवेटिव निकालो, ठीक है, क्या बोलेंगे यहां पर हम, सबके डेरिवेटिव निकाल कर सबको क्या करना, डेरिवेटिव निकाल दो, और उसके बाद में डीवाई बाय डीएक्स को
अकेला करो, ये सबसे सिंपल तरीका है, ठीक है। कौन सा? डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन निकालना के, ठीक है। तो कैसे करना है? सबके डेरिवेटिव निकाल कर डिवाइड बाई डी एस को अकेला करो, ठीक है। तो चलो काम करते हैं। अभी हमारे पास है वो एक्सरसाइज जिसके हमारे पास है आंसर्स, ठीक है। तो चलो देखो, हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें से क्वेश्चन हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे समाते हम देखते, बाकी आप घर में भी होमवर्क कर सकते हो, ठीक। तो चलो, पहला क्या है हमारे पास में, रूट एक्स प्लस रूट वाई इज इक्वल टू रूट ए है। पहली बात ये देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने y इज इक्वल टू कुछ ऐसा नहीं कहा। ये तो हर क्वेश्चन में इसके पहले क्या कहा, लेट y इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू वो, ऐसा कहा। यहाँ पे वैसा नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी y उसमें दिया है, वो मिक्स में है, वो इम्प्लीसिट फंक्शन है। तो सिंपल आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकाल दो। तो क्या बोलेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, जैसा करते थे वैसा ही करो, ठीक है। तो चलो, ये रूट एक्स है, मैं थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये रूट एक्स है, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या है, फार्मूला ही हमारे पास 1/2√x प्लस, यहाँ पर रूट वाई का भी वही फार्मूला होगा, वो भी फंक्शन है, तो 1/ क्या होगा, 2√y, लेकिन ये x था तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये y है तो इसका मुझे फिर से क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं ना, x सच है तो टेंशन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट फार्मूला बनता है। यहाँ पे भी फार्मूला है, लेकिन x के जगह पे y है, तो y का फिर से डेरिवेटिव इज इक्वल टू ये रूट ए, रूट ए तो हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। देखो, मैंने पूरे टर्म्स के क्या किए, डेरिवेटिव निकाल दे। अब मुझे डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला करना है, तो पहले क्या करूंगा, देखो डीवाई बाई डी एक्स किस में है, देखो इस टर्म में है, तो पहले इस टर्म को अकेला करो, तो 1/2√y इंटू डीवाई बाई डी एक्स होगा, और ये जो है उधर चला जाएगा, तो ये प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी यहाँ पर हो जाएगा 2√x हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, मैंने क्या, वो dy by dx को अकेला करो, वैसे भी dy by dx को तो फाइंड करना है, यानी क्या होगा यहाँ पे, dy by dx इज इक्वल टू ऑलरेडी -1/2√x है इंटू, अब ये उल्टा हो जाएगा, ये 2√y कहाँ जाएगा, ऊपर में 2√y और नीचे में 1, तो 1 नहीं लिखा तो भी चलता, इसलिए फाइनल स्टेप में dy by dx इज इक्वल टू, अब देखो ये 2 इसके साथ कैंसिल होगा, तो बचेगा क्या, ऊपर में रूट वाई है, नीचे में क्या आएगा, रूट एक्स, और यहाँ पर माइनस, या फिर आप इसको थोड़ा सा ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक, फाइनली माइनस एक साथ लिख सकते हो वाई अपॉन रूट एक्स, ऐसा लिखा तो भी चल जाएगा, ठीक बच्चों। तो इस प्रकार से हमको क्या करना है, जो डेरिवेटिव निकालना है इम्प्लिसिट फंक्शन के, वो ध्यान में रखो। सबसे पहले मैं फिर से कह रहा हूँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन इम्प्लिसिट फंक्शन को पहले समझना, जो मैंने अभी बताया, ठीक है। चलो, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, तो वहाँ पर देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन। चलो बताओ 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 क्या है वहाँ पर, वहाँ पर है मुझे दिख रहा है, यहाँ पर पहले रूट नहीं है, एक्स है, फिर रूट एक्स है, फिर वाई है, फिर रूट वाई है, इज इक्वल टू ए रूट ए है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये तो हमारा कांस्टेंट है, यहाँ पे मिक्स में है, इम्प्लिसिट फंक्शन है, टेक्निक ही है डेरिवेटिव निकालना सबके और डिवाइड बाई डी एस को अकेला करना, ठीक है। अब थोड़ा सा ये भी देखो, ये एक्स है हमारे पास, ये रूट एक्स है, इसका पावर कुछ नहीं, 1, और रूट एक्स का पावर क्या होता है, रूट एक्स का मतलब एक्स का पावर 1/2, दोनों को मिक्स करेंगे, बेस से मल्टीप्लिकेशन पावर की एडिशन, 1+1/2 करेंगे तो एक्स पावर 3/2 आ जाएगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, थोड़ी आसानी हो जाएगी, तो एक्स पावर 3/2, वैसे ही वाई पावर 3/2, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लो, वैसे भी उसका आंसर 0 आने वाला है, ठीक। चलो, अब क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना शुरू करो। देखो, एक्स पावर एन का फार्मूला लगेगा, एक्स पावर एन का फार्मूला, तो एन यानी 3/2 सामने आएंगे, एक्स का पावर 1 से कम होगा, तो 3/2 माइनस 1 अगर करते हैं आप, तो आप यहाँ पे देखेंगे फिर से 1/2 बचेगा, ठीक, प्लस यहाँ पर भी वही होगा 3/2, ठीक है, सॉरी 3/2, और y का पावर 1/2, लेकिन यहाँ पे होगा dy by dx, क्यों बताने की ज़रूरत है अभी भी, इतने सारे प्रॉब्लम में x नहीं है, x के जगह पे कुछ और है, इसलिए ये करना पड़ता, सामने तो आंसर क्या होगा, 0 होगा, ठीक है, सामने का आंसर 0 हो जाएगा। अब मुझे बताओ मुझे क्या चाहिए, ओके मुझे ये चाहिए, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा डी 3/2 है, तो डिवाइडिंग बाय कर दो, क्या बोलेंगे, डिवाइडिंग बाय 3/2, तुम्हारी इच्छा जैसा करना है वैसा करो आप, ठीक है, नहीं तो फिर जैसा यहाँ पे ट्रांसफ़र करके किया वो भी चलेगा। तो यहाँ पर रूट एक्स स्क्वेयर है, ठीक है, तो एक्स रेस्ट टू पावर 1/2 है, मतलब आप उसे रूट एक्स लिख सकते हो, प्लस देखो 3/2 जीरो के साथ चले जाएंगे, यहाँ पर
एक्स का पावर 1/2 है तो रूट एक्स, या फिर वाई का पावर 1/2 है तो रूट वाई, साथ में रहेंगे डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब इसको अकेला करो तो रूट वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो क्या होगा रूट एक्स होगा, और फाइनली डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस है रूट एक्स, ठीक है, के नीचे कौन जाएगा रूट वाई जाएगा, ठीक है। हाँ, आप इसके जैसा लिख सकते हो। सो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, फिर से आप क्या लिख सकते हो एक्स बाय वाई, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपको करने को चाहिए। चलो अब हम और एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, और बाकी आप घर पे होमवर्क कर सकते हो। मेरे ख्याल से मैंने थोड़ी लिखने में गलती की क्योंकि वही वही क्वेश्चन रिपीट कर दिया। देखो ना, आप एक से रूट एक्स वाई वही वही लिखा, तो इसको एक को मैं मिटा देता हूँ। अब मेरी गलती हो गई यहाँ पे, सॉरी शक्तिमान, अब कुछ कर नहीं सकते भाई, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर थ्री है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर थ्री को पढ़ते हैं। क्या नज़र आ रहा बेटा वहाँ पर हमें है, एक्स दिया, रूट एक्स वाई दिया, प्लस वाई है इज इक्वल टू वन है, बराबर। सिस्टमेटिक पद्धति से सॉल्व करो तो क्या है, पहले तो हेडिंग डालेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। और अब देखो ये एक्स है, थोड़ा डायरेक्ट करेंगे हम, एक्स है तो एक्स का डेरिवेटिव वन, प्लस ये रूट, रूट में जो भी है उसका डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, तो वन अपॉन टू रूट एक्स, लेकिन एक्स के जगह पे क्या है एक्स वाई है, इसलिए उसका फिर से डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई, ठीक है, प्लस यहाँ पर वाई है तो वाई का डेरिवेटिव क्या होगा डी वाई बाय डी एक्स, और ये वन है, वन का डेरिवेटिव जीरो। देखो ये एक्स का डेरिवेटिव, यहाँ पे फार्मूला लगा वन अपॉन टू रूट एक्स, उसका फिर से डेरिवेटिव और ये डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। अब ये वन है आपके पास, प्लस वन अपॉन टू रूट एक्स वाई इंटू, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो यहाँ पर हमारे पास में क्या है एक्स और वाई है, ठीक, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बच्चों बस एक मिनट मुझे दे दीजिए, थोड़ा सा गर्म माहौल हो चुका है, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको कम कर देते, ठीक है। तो चलो यहाँ पर देखो हमारे पास फर्स्ट क्या है, फर्स्ट यानी कौन है एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी डी वाई बाई डी एक्स, प्लस सेकंड यानी वाई होगा इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कौन हो जाएगा एक्स, एक्स का डेरिवेटिव वन मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, ठीक, प्लस ये है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब ये है देखो वन, प्लस यहाँ पर क्या होगा वन अपॉन टू रूट एक्स वाई, ठीक है, इसको आप लिखेंगे, आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखो इससे आप पहले इसको मल्टीप्लाई करो तो ये एक्स है डी वाई बाई डी एक्स, प्लस यही फिर से वन अपॉन टू रूट एक्स वाई इंटू वाई वन जा क्या होगा वाई, प्लस ये डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दो, यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म है ये, देखो यहाँ से इतनी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स वाली, ये भी टर्म है डी वाई बाई डी एक्स, इसको मैं साथ में लेता हूँ। पहले तो देखो यहाँ पे जो एक्स है, इस एक्स को हम रूट एक्स इंटू रूट एक्स ले सकते हैं, यानी इसमें दो बार रूट एक्स है, तो एक एक रूट एक्स कटेगा तो आंसर क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई साथ में डी वाई बाई डी एक्स। देखो मैं इसको सॉल्व किया, ये एक्स है, एक्स में रूट एक्स है, एक एक्स रूट एक्स कट गया तो रूट वाई रहेगा और ऊपर में एक रूट एक्स, ठीक है, इस तरह से होगा। और इसको मैं नज़दीक ले लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस अब यहाँ पर भी आप क्या करो, यहाँ पर भी देखो आप, ठीक है, यहाँ y है तो y का मतलब होगा रूट वाई इंटू रूट वाई, तो एक एक रूट वाई कटेगा तो ऊपर में रूट वाई, नीचे में ये 2 है, साथ में रूट एक्स रहेगा, ठीक है, और साथ में y, और अब बचा हमारे पास 1, तो ये मैं 1 यहाँ पर लिख लेता हूँ। आप बराबर इसको समझिए, ठीक है। अब इन क्योंकि मुझे क्या चाहिए है, मैंने कहा डी वाई बाई डी एस को अकेला करना है, तो डबल डबल अगर डी वाई बाई डी एस है तो नज़दीक लेकर पहले कॉमन निकालना, कॉमन निकालने के बाद अकेला करना। अब देखो ये दोनों टर्म में डी वाई बाई डी एक्स है तो डी वाई बाई डी एस को मैं निकालता हूँ कॉमन, तो डी वाई बाई डी एस कॉमन निकला। अब यहाँ पे कौन बचेगा डी वाई बाई डी एस गया तो रूट एक्स अपॉन टू रूट वाई, प्लस ये डी वाई बाई डी एस पूरा गया तो 1, ठीक। अब इसको आप उधर फेंक दो तो ये होगा आपका 1 जो बनेगा माइनस 1,
ठीक है, माइनस ये पूरा जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये y नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि इस y को ही हमने सॉल्व किया था, ठीक है, तो ये y नहीं चाहिए, तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स साथ में 2 रहेगा, ठीक। अब आप देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो जो चीज़ें होंगी उन चीज़ों को बराबर सॉल्व करिए, ठीक। अब डीवाई बाई डी एक्स चाहिए तो यहाँ पर मैं पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देता हूँ, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, अब क्रॉस करो तो रूट एक्स वन जा रूट एक्स प्लस 2 रूट वाई वन जा 2 रूट वाई अपॉन 2 रूट वाई होगा इज इक्वल टू, यहाँ पर भी इसके नीचे कुछ नहीं यानी 1, क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे देखो 1 से करेंगे तो माइनस रूट वाई, माइनस 1 से करेंगे तो माइनस 2 रूट एक्स अपॉन यहाँ पे होगा 2 रूट एक्स। अब दोनों तरफ में है तो ये टू कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू क्या बचेगा, रूट एक्स प्लस, या फिर एक काम करते इसको उधर पहले से फेंक दो, ठीक है, और डायरेक्ट वहाँ पर कट करना वो भी चलेगा, ठीक है। तो वहाँ क्या है देखो, वहाँ है माइनस रूट वाई माइनस टू रूट एक्स अपॉन टू रूट एक्स, ठीक है, ये हमारा एक्स है इनटू, अब ये जब ऊपर उधर जाएगा तो नीचे का पोर्शन ऊपर, ऊपर का पोर्शन नीचे जाएगा, यानी क्या होगा टू रूट वाई अपॉन ये रूट एक्स प्लस टू रूट वाई ऐसा होगा। अब इसको आप सॉल्व करिए तो डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू, देखो ये टू और ये टू कैंसिल होंगे, अब बचा कौन रूट वाई है, तो इन दोनों में से मैं माइनस बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है, और ये रूट वाई को आप सामने ले लो ब्रैकेट में, यहाँ क्या बचेगा रूट वाई प्लस ये टू रूट एक्स अपॉन, ठीक है, यहाँ पर देखो ये टू टू कट गया तो यहाँ बचेगा रूट एक्स, ठीक है, और साथ में रूट एक्स प्लस टू रूट वाई इस तरह से यहाँ बचेगा, और कुछ खास करने लायक है ही नहीं यहाँ पर, सो आप इसे को ही पैक कर सकते हैं। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि ये जो टर्म मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है, ये टर्म थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, नहीं तो कुछ खास सॉल्व करने लायक नहीं है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से हमको इम्प्लिसिट, मेन फोकस क्या है हमारा इम्प्लिसिट, यानी अभी तक जो फंक्शंस हमने पढ़े दे वेर एक्सप्लिसिट फंक्शन बिकॉज वाई वॉज कम्प्लीटली एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एक्स, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं की डायरेक्ट लेफ्ट हैंड साइड में डी वाई बाई डी एक्स मिलता था, लेकिन यहाँ में क्या है वो मिक्स में है, तो आपको क्या करना पड़ेगा डेरिवेटिव तो लगाना पड़ेगा, लेकिन डेरिवेटिव लगाने के बाद में क्या करना पड़ेगा आखिरी में जहाँ जहाँ डी वाई बाई डी एक्स है उसको एक्स एक अलग कर दो और बाकी को, यानी सिंपल उसको अकेला करो बाकी को दूसरी तरफ, कभी कभी यहाँ पे क्या होगा ऐसा डबल डबल आएगा, तो वहाँ पर आपको बराबर क्या करना है कॉमन वॉमन निकाल कर काम करना है, ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से काम करना है। सो बाकी का आप इसमें जितने भी प्रॉब्लम्स आए हैं आई होप कि आपको ये मेथड समझे तो आप आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, इसके बाद में जो प्रॉब्लम्स है या फिर जो मेथड है हम इसको कंटिन्यू करेंगे बाद में, टिल देन बाय।